दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 4,960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति करने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के साथ हाल ही में करार किया है। इन गाइडेड मिसाइलों की कीमत 1188 करोड़ रुपए है। ये मिसाइलें हैं दोस्तों मिलन 2T मिसाइलें। मिलन 2T मिसाइलों का इस्तेमाल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट करने के लिए किया गया था और ये मिसाइलें दोस्तों बेहद घातक हैं। क्या है ये पूरी खबर और क्या खासियतें हैं इस मिसाइल की, इस पर पूरी जानकारी देंगे आगे हमारे वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं रोहित देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही हलचल की खबरें आप सबके सामने लाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों भारतीय सेना को जल्द ही 4,960 मिलान 2T मिसाइलें मिलने वाली है। ये मिसाइलें जो है दोस्तों ये बेहद घातक हैं और एक कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के बंकरों को नष्ट करने के लिए उपयोग में ली गई थी। मजबूत पाकिस्तानी बंकरों को वायर गाइडेड मिलान मिसाइलों ने बखूबी तबाह किया था। दुश्मन सेना की टैंक रेजिमेंट का सामना करने के लिए तीसरी पीढ़ी की ये मिसाइलें बेहद कारगर साबित होंगी। रक्षा मंत्रालय ने 1188 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना को 4,960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जल्द से जल्द भारतीय सेना को आपूर्ति के लिए BDL यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इससे सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। मिलन 2T एक टैंडम वॉरहेड ATGM है जिसकी रेंज 1850 मीटर है। फ्रांस की कंपनी MBDA मिसाइल सिस्टम से मिले लाइसेंस के तहत तैयार कर रही है। इन मिसाइलों को जमीन से और साथ ही वाहन आधारित लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। इसे आक्रामक और रक्षात्मक दोनों कार्यों के लिए एंटी टैंक रोल में तैनात किया जा सकता है। इन मिसाइलों को 3 साल के भीतर भारतीय सेना में शामिल किए जाने की योजना है। आपको बता दें दोस्तों कि इस समय भारतीय सेना को करीब 70,000 एंटी टैंक मिसाइलें और 850 लॉन्चर्स की जरूरत है। 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिलने से सेना की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये जो मिलान 2T मिसाइलें हैं इसकी खासियतें क्या क्या है आइए आपको बताते हैं। दोस्तों मिलान 2T फ्रांस की वायर गाइडेड ATMM है, यानी लक्ष्य भेदने के लिए लॉन्च यूनिट को अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। ये मिसाइलें दोस्तों थर्मल साइट टेक्निक से भी लैस हैं, जिससे कि दोस्तों रात के समय में भी अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से भेद सकती है। इन मिसाइलों के भारतीय सेना में शामिल हो जाने से भारतीय सेना की क्षमता में काफी अधिक इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपके पास हमारे कोई तथ्य या सुझाव है तो वो भी दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेकर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।